जय हिंद। नमस्कार। महंगाई भत्ते के संबंध में लेटेस्ट अपडेट है और यहाँ आंकड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लेबर ब्यूरो शिमला के द्वारा दिया गया है और साथ में जानेंगे कि जुलाई 2023 से आपको कितना महंगाई भत्ता लगभग मिलने वाला है। दोस्तों इसी के संबंध में लेटेस्ट अपडेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेबर ब्यूरो शिमला के द्वारा 30 जून 2023 को एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है और यह जो आंकड़े हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स मई 2023 के आंकड़े जारी किए गए। इन आंकड़ों के आधार पर बताया गया कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मई 2023 में जो है 0.5 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और यह आंकड़ा 134.7 पर पहुंच गया है। 134.7 पर यह आंकड़ा पहुंच गया है और यहां पे बताया गया है कि क्या क्या आइटम्स हैं जिनके कारण इन महंगाई भत्ते में वृद्धि दर्ज की गई है। आपको पता होगा कि इन्हीं आंकड़ों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता निश्चित किया जाता है। आंकड़ों के आधार पर यदि देखें तो जहां दिसंबर 2022 में 42.37 पर था महंगाई भत्ता, जनवरी में 43.08 पे, फरवरी में 43.79, मार्च में 44.46, अप्रैल में 45.06 और मई में यह आंकड़ा 0.5 की बढ़ोतरी के साथ पहुंच गया 134.7 और महंगाई भत्ता है 45.58 पर। तो यहां पर जो अभी तक टोटल महंगाई भत्ते में दर्ज की गई है अभी तक 3.58 की बढ़ोतरी यहां पर दर्ज की गई है और अभी जून महीने का महंगाई भत्ता यानी कि आंकड़े आना जरूरी है और उम्मीद की जा सकती है यहाँ पर लगभग 4% की बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये था अपडेट आज के लिए, इतना ही जानकारी चलते लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर। जय हिंद।